छापा मार लेते वो जी टी वी ने ना पूरी स्क्रिप्ट पूरी स्क्रिप्ट ही छाप दी थी ना उन्होंने तो आ, वो अम्मी के साथ जो था मेरा वो रियलिटी टीवी स्पूफ़ वाला उन्होंने तो पूरा ए टू जी वो सारी स्क्रिप्ट तो अच्छा जो उनके एक्टर थे वो उन्होंने कमेंट और मैसेज किया कि भाई मुझे नहीं पता था कि उन्होंने पूरा ही आपका छाप दिया लेकिन आ, जी टीवी वाले बड़े ढीट थे एक कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने क्या किया पूरा एक तो ना तो सिर्फ वीडियो पूरी छाप दी। कंटेंट का नाम भी पाद रख दिया है? और आगे बहुत से creative, बहुत और आगे से मुझे कह रहे हैं कि ब्रो डू यू है ढीटमीज तो like, तो मैंने कहा छापा ऊपर मैंने लिटरली लिखा था कमेंट में एक तो छापा ऊपर से बदतमीज भी अस्सलाम वालेकुम खतान हजरात या फिर अस्सलाम वालेकुम असल हजरात वालेकुम अस्सलाम मेरे पास एक मेरे पास एक ओजी कंटेंट क्रिएटर है और सर्टिफाइड जी हाँ बिल्कुल आईएसओ से मंजूर शुदा सर्टिफाइड ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर जो कि बहुत बड़े एक्टिविस्ट रह चुके हैं और आज भी एक्टिविस्ट हैं और मैं भी भाई ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन की के हवाले से हम लोगों ने बड़ा बड़े बड़े केसेस लड़े हैं भाई हमारा तो ये मूर्त था कि हम यूनाइटेड नेशन में जाने वाले थे एक वक्त में अपना केस उठाकर लेकिन खैर मजाक कर रहे हैं अभी हम और ये कंटेंट क्रिएटर एक ज़माने से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और uh, 2014 में मैंने शुरू किया था और जब मैंने शुरू किया था तो ही वॉज देहर एंड नाउ ही स्टिल देर हिटिल हेर अलहमद लाला और स्टिल <laughs> और, और अभी भी जो है ना गेम उठा के रखा और अभी तो नेक्स्ट लेवल है भाई और इस बंदे के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ ठीक है और जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ ये करता है पॉडकास्ट और बहुत ही नेक्स्ट लेवल अली सफियान वासिफ साहब

दुबई कब आए थे आप दो हज़ार दस में दुबई आए थे आप दो हज़ार दस में और कॉन्टेंट क्रिएशन की अगर मैं शुरू की बात करता हूँ तो कॉन्टेंट क्रिएशन का ख्याल किस तरह से आया बिकॉज ऑफकोर्स उस वक्त तो सिर्फ फेसबुक हुआ करता था यूट्यूब बैन था पाकिस्तान में और क्या <laughs> क्या क्या ख्याल आया भाई और उस वक्त की इंस्परेशन क्या थी यार मुझे ना थोड़ी सी चुल्ल होती है कि अगर मैं कोई चीज़ देखूँ ना और मुझे फील हो कि ये मैं इससे ज़्यादा अच्छी कर सकता हूँ तो मैं फिर कॉन्टेंट देख रहा था लोगों के मैं क्या <laughs> मैं कर सकता सेक्टर ज्यादा अच्छा तो वो चाहे कुछ भी हो मैंने कहा मैं अच्छा ओरिजिनल अच्छा ओरिजिनल अच्छा ही होता है तो क्या कहते हैं उस जमाने में चल रही थी कुछ वीडियोस मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मैं भी बना सकता हूं तो मैंने भी बना दी शुगर शुगर में तो अमी के साथ की बात है यार होगा तो अमी के साथ बनाई थी पहली वीडियो सेम ग्राउंड रूट उसमें लेम रोड नहीं था लेमराउंड रोड बेसिकली एक आ, मीम पेज था आ, उस जमाने में मीम पे पेजेस जो मैंने बनाए थे वो था एक था एक पेज आपने बनाया सर थे हाँ मैंने एक और मेरे साथ एक दोस्त था तो हमने किया था वाह तो

क्योंकि वो जो कह रहा था ना, दें, तो आपको ब्लू टिक देंगे, तो अपना, तो अपना वेरीफाई होने के लिए करना पड़ता है, है नाम है। रख दिया अपना का मसला ये, की तो है तो अलग ही हमारी तकलीफें हैं ना मैंने भी पैसे दिए उसके क्योंकि मसला ये है सर, और मैंने मशवरा किया था बड़े क्रिएटर से और उन्होंने कहा की करना चाहिए भाई हर क्रिएटर को करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर आपकी फिर सेफ्टी और ये सारी चीजें आ जाती है और व्हाई नॉट बिल्कुल और सब करें लेकिन शोखी ना मारे oh और वो भी शौक अच्छा, इसके पीछे भी एक और रीजन है वो <laughs> अच्छा ये तो वो भी तो शौकी मारते थे ना

कोल्टी से हरकत कर दी तो आपको पता है कि भाई आर्टिकल्स अगर आप पर आएंगे ना तो इन्हीं हरकत पे आएंगे और मेरा पब्लिशर्स से यही क्योंकि हम तो एक ज़माने से कंटेंट क्रिएट करते आ रहे हैं और हमने पब्लिशर्स को अपना कंटेंट दिया भी काफ़ी बार ना कि हमने इस बारे में बात की हमारी वीडियो वायरल हो गई ये वीडियो इस इस तरह की वायरल लेकिन उन बोला नहीं आया जब तक तो कॉन्ट्रोवर्सी नहीं आती ना कोई जब तक कोई जलील नहीं हो रहा क्रिएटर जब कोई कोई क्रिएटर कैंसिल नहीं हो रहा

कोई रहा, रहा ना कोई बंदा नवाज नवाज भाई मैं बोलर की बात कर रहा हूँ क्या हो गया हाँ। जबरदस्त बोलर है हमारा सो so, अली भाई उस वक्त आप कंटेंट क्रिएट करते थे तो वालदा के साथ आपने कॉन्टेंट क्रिएट किया सबसे पहले सो के साथ रीजन था क्योंकि हम ही दो थे और मेरे बस और कोई था नहीं तो और जो पहला मुझे आइडिया आया था वो अनोर मसूर साहब की जो पोइट्री थी आज की पकाइए दस तेरह की ख्याल है तो वो मैंने अम्मी के साथ किया था कि अम्मी कुछ पका रही है तो मैं अम्मी को पूछा बेबी -बे आज की पकाई है तो अम्मी कहती है दस तेरह की ख्याल है तो वो एक आपस में एक मजाक माँ के साथ जो था वो डाला था और वो दस साल पहले ओवरनाइट नाइट कोई पचास साठ हजार व्यूज आ गए थे मैंने कहा यार ये ये क्या हुआ है अचानक क्योंकि उस जमाने में बहुत थे वो पांडे कुछ हम पांडे ऐसा ही कोई डायलॉग था आपका

आपको जबरदस्ती ये फोर्स ना करना पड़े कि आप लग रहे हो कि आप कोई कॉमेडी कर रहे हो है, क्या है। आप सुकून में टेंशन हो कि ये क्या कह रहा है क्योंकि अभी भी पॉडकास्ट जो है काफी लोगों को लगता है मैं सीरियस बात हो रही है और वो बड़ा कमेंट्स में डिबेट करने की कोशिश करते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नीचे लेवल का ह्यूमर है उन लोगों का जिनको समझ नहीं आती है तो वो अभी एक इंडिया के कंटेंट क्रिएटर है बड़ा जबरदस्त है और मेरे नाम की इतनी बीमारी मैं भूल जाता हूँ उस पर उस पर भी एक दो दिन में आठ मिलियन कुछ व्यूज आ गए और उसमें कमेंट्स में इतनी गालियाँ पड़ रही हैं भाई को वो माँ के ऊपर था कि इसी तरह की माँ के प्यार के ऊपर था वो अच्छा उस सीधा सा मजाक था लेकिन लोगों को समझ नहीं वो समझा कि माँ की बुराई कर रहा है लेकिन वो मजाक और उस वो लिटरली असल में मेरे साथ हुआ जो मैंने उसको मजाक में बनाया था और अम्मी के साथ जो भी बातें हुई थी और अम्मी को भी पता है वो बातें सारी कुछ लेकिन वो लोगों को समझ नहीं आती और यही मुझे इस चीज़ का मजा आता है कि आप शो ना करो लोगों को कि आप कॉमेडी कर रहे हो लोगों को खुद ही गेस्ट करने दो क्या हो रहा है सरकम की ब्यूटी है क्या बेसिकली हमारे यहाँ हमारे रीजन में तो सरकम का मतलब ही नहीं पता लोगों को ठीक है एक मजाक होता है यूं बैठ कर सीरियस बात कर रहे हैं हम ना ठीक हम डी जी आई वाली बात करते हैं कि यार बड़ा जबरदस्त किस्म के डी ने ना नए निकाले इक्विपमेंट और इसके अंदर जो क्वालिटी है ना बहुत नेक्स्ट लेवल है लेकिन मसला है कि बहुत महंगा है यार ये हाँ तो वो सीरियस बातें कर रहे हैं लेकिन ये एक एक्चुअल में तफरी रही है तो वो सरकम जो है ना वो हर एक को समझ आता भी नहीं है और जितना आप हाई लेवल पर जाते हो सरक उतने लोग ऑफेंड होते हैं लेकिन आई एम ग्लैड के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फिर लोगों को एजुकेट भी करते हैं तो इसके अंदर बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है लेकिन ए, नहीं। ए, ए, एक किस्म से विन विन ही है 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 अगर कोई, अगर कोई कोई लड़ भी रहा कमेंट्स में आपकी बढ़ रही दो हजार चौदह पंद्रह का टाइम आपको याद है जब हमारी आपसे मुलाकात हुई थी हम लोग उस वक्त जो है काफी ज्यादा परेशान रहते थे कि यार हम लोग ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं हमारे पास आते नहीं है छापे जहाँ पर लग रहे हैं छापे छापे का थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिकली उस वक्त जो है ना काफी सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स होते थे जो कि बाहर के क्रिएटर्स को एग्जैक्टली exactly डिट्टो कॉपी ना उनका कॉन्टेंट छापते थे छापना होता ही है कि एक तो एक आइडिया आ गया और हमने आइडिया के इर्द गिर्द पूरी सिचुएशन चेंज कर दी एक वो होता है कि फ्रेम टू फ्रेम अगर हुँ. उसने विक पहनी हुई किसी गोरे ने तो मैंने भी विक पहनी हुई है अगर कोई झाड़ू वो, वो वैक्यूम क्लीनर के थ्रू साफ कर रहा है तो मैंने भी वो इस, हाँ. चीज इस्तेमाल की डायलॉग भी सेम सो so, वो जब चीज़ होती है ना उसके अंदर फिर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट होते थे उस ज़माने में मैं तो बहुत ज़्यादा होता था फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं मैं और मानिए हम लोग बैठे हुए सोच रहे हैं कॉन्टेंट आइडियाज़ तीन तीन चार चार दिन लग रहे हैं समझ नहीं आ रहा कि यार क्या वीडियो बनाएँ और वीडियो पर व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं और उधर किसी ने कोई छापा मारा और दस मिलियन व्यूज़ पंद्रह मिलियन व्यूज़ ख्वाब था हमारा यार नहीं मैं तो अभी भी डिप्रेस होता हूँ छापा मार लेते ने ना पूरी स्क्रिप्ट पूरी स्क्रिप्ट ही छाप दी थी ना उन्होंने तो कौन सी वाली आ, वो अम्मी के साथ जो था मेरा रियलिटी टीवी स्पूफ़ वाला उन्होंने तो पूरा ए टू जी वो सारी स्क्रिप्ट क्या नाम है मैं, मैं, तो अच्छा जो उनके एक्टर थे वो उन्होंने कमेंट और मैसेज किया कि भाई मुझे नहीं पता था कि उन्होंने पूरा ही आपका छाप दिया लेकिन GTV वाले बड़े थे। आपका क्या ओपिनियन और इंस्पिरेशन पर? आप किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे होता क्या है? है है आपका एक्सपीरियंस तो यंग क्रिएटर्स जितने भी भी हैं एक एक जिम्मेदारी बन जाती है हमारी ना उनको समझाना। यार देखो इंस्पायर होना एक अलग बात है। आप बिल्कुल ये एक कंटेंट क्रिएटर है उन्होंने क्या किया पूरा एक तो ना तो सिर्फ वीडियो पूरी छाप दी कंटेंट का नाम भी पॉडकास्ट रख दिया है और आगे बहुत क्रिएटिव बहुत ज्यादा क्रिएटिव बंदा और आगे से मुझे कह रहे हैं कि ब्रो डू यू है मैंने, तो मैंने लिटरली ये लिखा था कमेंट में एक तो छापा ऊपर से बदतमीज भी तो एक तो चोर ऊपर से बदतमीज उसने ब्लॉक कर दिए है दूसरा होता है इंस्पिरेशन जिस तरह आरजू की अभी हम बात भी कर रहे थे उसने बड़े प्यार से मैसेज किया कि अली भाई ये आपकी स्टाइल मुझे पसंद है कि मैं भी इसी स्टाइल में बना कहा ठीक तो है बना लें आपका अपना जोक हो आपका अपना एक हो देखिए रियलिटी टीवी के स्टाइल के कितने चल रहे हैं लेकिन जाहिर है वो हर चीज अलग अलग होती है एग्जीक्यूशन हाँ मुख्तलिफ होनी जरूरी है ट्रैवल ब्लॉग अब हर कोई कहता है एक बंदा ट्रैवल ब्लॉग कर रहा है दूसरा के क्या क्यों कर रहा है मैं ट्रैवल जो कर ही रहा हूँ तो तुम किधर जा रहे हो तो वो एक एक पैटर्न एक जो जॉनरा है एक स्टाइल है वो तो कर सकते हैं आप लेकिन बिल्कुल ही ना उसके हर चीज उठा ले जो उसने सोच के बनाई है अब मैं पता नहीं कितने हफ्ते लगा के मैंने एक चीज सोची हो कि अच्छा ये पंच लाइन आनी चाहिए वो कोई एक ही दिन में उठ छाप ले एक तो सेकंड में छाप ले दुख होता हाँ। है ये हमारा बिजनेस तो पैसे बना रहे हैं तो अगर तो आप के, किसी के बिज़नेस को ही अब चोरी है सीधी सीधी आप चोरी कर रहे हैं किसी का सामान तो फिर जाहिर है जो बिज़नेस बंदा कर रहा है उसको नुकसान हो रहा है क्योंकि आप उसकी चीज़ खींच रहे हो जो कि आपकी नहीं है आप किसी दुकान पे जाके कोई चीज़ उठा तो नहीं ना सकते ट्रैवल ब्लॉग्स तो चले कोई निकाल रहा है कॉपी जितना भी कर मतलब कॉपी आप उतना उसको कर भी नहीं सकते ना क्या करोगे कुछ ना कुछ अपना आपका फ्लेवर आ ही जाता है लेकिन जहाँ तक स्किट्स की बात है ना स्किट्स में में बहुत हमने और, और हमने भी और हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। मेरी नजर में, मुश्किल तरीन काम है, में। और उसकी रिकग्निशन भी उतनी ही कम है अनफॉर्चुनेटली हो जाए लेकिन कभी पहले एक जमाने में बहुत ज्यादा होती थी लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा अब वो फिर देखते हैं क्या होता है आगे लेकिन <laughs> ये है तीन तीन दिन लगते थे हम लोग को स्किट्स शूट कर रहे हैं

उसको रिक्रिएट उस तरह लिहाज से कर रहे हो लेकिन आपने किसी की कोई वीडियो देखी है उसके सारे डायलॉग्स आपने कॉपी करके दोबारा चला दिए हैं खुद ही आप कर रहे हो और वो आप लोगों को लगे कि वो आर जे नवेद ने स्टार्ट किया यही पात करना अच्छा? मेरे अच्छा। अब मेरी वीडियो पे ला के लोग कमेंट कर ले होते हैं ब्रो यूर कॉपिंग आर जे नवेद लाइक like, <laughs> स्टार्ट मैंने किया <की> है <laughs> कॉपी उधर हो रही है

अच्छा ये पॉडकास्ट की थोड़ा पॉडकास्ट की स्टोरी पे बात करते हैं आपने क्या किया यार ब्रो इतनी <laughs> सीरियस कॉन्वर्सेशंस करते हैं तो ये फिर वो इंस, इंस्पिरेशन पे बात आ गई मुझे एक तो लूज टॉक बहुत पसंद था और आ, मैं फिर नाम भूल जाता हूँ मेरे नाम की बात है एक YouTube पे एक वीडियोस थी एक कंटेंट क्रिएटर है वीडियोस कह रहा हूँ कंटेंट क्रिएटर था वो अब छोड़ दिया उसने

वो था ना कि इंसान जब परेशान हो जाता है तो वो भी उड़ जाता है hmm. उड़ के कहा जाता है कनाडा <laughs> वो वाली वो yes. काफी वायरल हुई थी उस उसी से वो पहले दिन ही मैं देख रहा हूँ स्टोरीज में बादशाह ने अपनी स्टोरी में लगाई हुई है वो कुशा कपिला ने अपनी स्टोरी में लगाई हुई है मैं ये क्या हो रहा है सुबह मुझे सारे अच्छा मुझे सारे मैसेज कर रहे हो देखो किसने शेयर किया और मैं जानता ही नहीं हूँ किसने शेयर किया ये कॉन्टेंट क्रिएटर है अच्छा इंडिया के ठीक है तो उन्होंने इतना शेयर किया कि वो एकदम ही सारी ऑडियंस उठ के ना इंडिया से और वो फिर सारी वीडियोस मैंने कहा ये ठीक है यही काम करते हैं ये तो ज़बरदस्त है हाँ।, हाँ जिस लेवल पर गया माशाल्लाह से इट्स आउटस्टैंडिंग मेरी अभी कुछ दिन पहले ना जो इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉड इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर रणवीर अलाबादिया तो उनसे डिस्कशन हो रही थी कॉन्टेंट क्रिएशन के हवाले से और पाकिस्तानी क्रिएटर्स के हाले से एंड यू आर द ओनली क्रिएटर जो वो जानते थे जिसको सही तरह से और इवन दो वो बता रहे थे कि वो आपके फ़ैन हैं और बड़ा पसंद करते हैं आपके काम को और उन्होंने फिर वो इस तरह से डिकोड किया उन्होंने कहा कि जिस लेवल पर वो जा रहे हैं ना जिस तरह को काम कर रहा है इट्स आउट तो कभी कभी आई फील लाइक वो मुझे फॉलो कर रहे हैं बट so, तो, like, मेरी वीडियोस में काफ़ी लोग उसको टैग करके कहते हैं कि ब्रो तुम उसकी ले रहे हो लाइक शिट ये बता तो फॉलो भी कर रहे हैं मुझे <laughs> और इसी के कमेंट्स में वो लोगों को इंडिया के साइड के लोगों को लगता है कि मैं उसकी पैरडी कर रहा हूँ नहीं नहीं ऐसा कोई सीन नहीं हाँ क्योंकि कुछ डिफरेंट करते हैं इसीलिए आपको बुलाया बहुत बेड बजाय अलीबा मुझे पॉडकास्ट में क्रिकेट को हाँ, भी ऐड करे ना आप क्या कहते हैं करेंगे मैं बहुत पिकी हूँ इस मामले पे स्क्रिप्ट के मामले पे तो दो तीन दफ़ा मैं खुद अपने आप रिपीट करता हूँ दो तीन दफ़ा मतलब कि हफ्ते में खुद को काफ़ी ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग काफ़ी हाँ मैं असल में स्क्रिप्ट लिख के ना क्योंकि रील की टाइमिंग है एक मिनट तीस सेकेंड नाइन्टी सेकेंड की रील होती है आ, लिमिटर्स की तो मैं पहले वो स्क्रिप्ट लिखता हूँ फिर वो स्टॉप वॉच लाता हूँ फिर मैं उस स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ कि 90 सेकंड में कैसी फील हो रही है तो बार बार रिपीट करता हूँ अगर अच्छी लगती है तो करता हूँ नहीं तो नहीं करता इसलिए मैं रोज रोज वीडियो नहीं डालता हूँ हफ्ते में एक आ जाती है या दो हफ्ते में एक आ जाती है तो अगर मुझे कोई क्रिकेट हो या कोई भी हो वो एक तो इसी वजह से लोग बोलते हैं कि तुम उसको कॉपी कर रहे हो तो क्योंकि दूसरा वाला <laughs> जो है, वो रोल डाल रहा है यहाँ आई फील सो बैड एक कंटेंट uh, क्रिएटर है इंडिया की बहुत अच्छी है फिल्मी फिल्मी छोकरी के नाम से हैंडल है वो कब से मेरे पीछे पड़ी हुई कुछ करते हैं कुछ करते हैं क्लैब करो क्लाइब करो और मेरा मसला यही है मैं जब तक मुझे वो क्लिक ना हो ना कि ये आ, क्या ये मुझे खुद मज़ा आ रहा है तब तक मैं अगले को कहता रहता हूँ हाँ, तो फिर तब तक मैं नहीं करता तो यही कंसिस्टेंसी का क्या मोड है बढ़ाना है या इसी तरह सरकना है क्योंकि मैं एज अ क्रिएटर यही हम डिस्कस करते हैं कि जब अगर आपका अच्छा हो जाए गेम ना अगर आपका एक बार क्लिक हो जाए तो उसमें फिर कंसिस्टेंसी इसमें यहाँ पे फहद एक फाह कलीम है यहाँ पे यू में शाहजहा वैसे तो लाहौर का है उस बंदे ने सेम पात का स्टाइल हमने ऑलमोस्ट सेम स्टार्ट सेम टाइम पे स्टार्ट किया था उसका इंग्लिश में सारा उस, oh, yes, शायद मैंने देखा हुआ उसका yes, उसने बड़ा अच्छा सीन किया हुआ वो एक स्क्रिप्ट कोई सौ दफा रिपीट करता है डिफरेंट Guess के साथ मतलब कि आपके साथ भी जो स्क्रिप्ट की है ना वो कल किसी और के साथ भी वो, देगा। और वो हर वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं उसके क्योंकि हर दफा कोई नई ऑडियंस देख लेती है उसको बात यही है और वो चढ़ाई जहा इतना उसने बड़ा प्रॉपर अगर कंसिस्टेंट मुझे कोई बंदा नजर आया ना तो वो है, अरे ब्रो करें आप भी करें यार क्या हम देखना चाहते हैं बेसिकली क्योंकि बात ये है इतना जब वेट करते हैं ना लोगों के पास तो टाइम है और नवे सेकंड तो कुछ भी नहीं है पूरा पूरा दिन लोग फोन पर होते हैं दस दस घंटे का स्क्रीन टाइम होता है लोगों का और बहुत क्रिएटर्स को देख रहे होते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन तीसरे तो अली सुफान वासिफ दिखे उनको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी जब आप पाकिस्तान में कॉन्टेंट क्रिएट करते थे पाकिस्तान में कभी किया ही नहीं पाकिस्तान में पाकिस्तानी ऑडियंस और इस तरह की बात करना क्रिकेट पे भी आपने काफी बात की है या नहीं नहीं सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स करते वो स्टेटस जब गुस्सा चढ़ा होता तो है स्टेटस डाल देता हूं वो भी जब बहुत ही गुस्सा चढ़ा हो ना टीवी के सामने बैठ के फिर नहीं तो नहीं लास्ट टाइम गुस्सा कब आया था ये एशिया कप में अच्छा दिल कब टूटा था अ आ... सॉलिड दिल ब्रो के ये नहीं होना चाहिए था नहीं ऐसा क्रिकेट में नहीं ऐसा नहीं है मेरा कुछ क्योंकि आदत है वो पता है कुछ ना कुछ पंगा तो होगा लेकिन अभी रिसेंट जो फ्रेश गुस्सा है वो एशिया कप का था ब्रो मैं तो आई थिंको <laughs> तो ना मैंने तो अपने आप को कम करना कम क, मैं तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा समझ नहीं आ रहा मेरा दिल टूटे पे टूटे जा रहा है ना मसला ये है कि बार बार, बार अपने आप को बोलता हूँ कि नहीं यार अब मैं देखना छोड़ दूंगा अब मैं इनको नहीं सपोर्ट करने वाला अब मैं उम्मीद भी नहीं लगानी वगैरह वगैरह लेकिन उसके बाद फिर ये इतना अच्छा खेलने लग जाते हैं बायलिटरल में इतना अच्छा खेलते हैं फिर आपको उम्मीद आ जाती है ओ, मैं का सपोर्टर आप सोच सकते हैं कि पिछले छे छ सात साल अगर मैं सपोर्ट कर सकता हूँ उनको फुल बॉटम पे रह के तो मेरा ऐसा कुछ सीन ही नहीं है मैं एक दो दिन बाद भूल जाता हूँ पहले शुरू में दिल होता है कि आगे को निकालो हैश जब वो खराब कह रहे थे लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वापस लो आर लॉर है सपोर्ट शुरू हो जाती है तो अपनी नेशनल टीम के साथ भी यही है एक दो दिन रहता है गुस्सा अगले दिन फिर बाबर किंग हाँ मेरा पहला शौकर जो लगा था ना मुझे क्रिकेट में पहला फर्स्ट वो था हम आयरलैंड से जो हारे थे 2007 में सात hmm. में वो तो मैं परेशान था क्या <laughs> ये हो सकता है ये तो, ये ना हाँ. एक तर, एक तसली मिल गई थी क्योंकि बांग्लादेश ने मार दिया था इंडिया को <laughs> और वो फिर ना हम बोले चलो ठीक है हम दोनों वापस ही बाहर आ गए ना अब सही है अब तो अफगानिस्तान से डर लगा रहा था अफगानिस्तान के साथ वो चेन्नई में मैच है ब्रो और मैं तो देख रहा हूँ उन्होंने जानबूझ के चेन्नई दिया है स्पिन, और मुझे पहला ओवर करता है और दस ओवर <laughs> भाई उसके दस ओवर है और दूसरा राशिद hmm. दस ओवर करेगा वो उसका फ्लिपर उसका वो अंदर लिख रहा है बाहर करता है ये क्या करेंगे हमारे साथ <laughs> <laughs> मुझे तो सबसे बड़ी टेंशन अफगानिस्तान के मैच की है है निकाल लेंगे इंशाल्लाह 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 उम्मीद पूरी इस वक्त 2011 फॉलो किया था वर्ल्ड कप आपने ऑफ कोर्स

आप वो जो एक वो वाली टीम जिसमें वकारी वसीम अक्रम शोईब अख्तर था नाइन नाइन एक साउथ अफ्रीका में जो हारे थे इंडिया से अगर वो हार सकते हैं तो फिर आप इनसे क्या इनका क्या मसला है फिर ये दोस्ती यारी का क्या इशू है

मैं मैंने बोला भाई इस वक्त बाबर आजम आपका ग्रेटेस्ट बैट्समैन है ठीक है और पाकिस्तान को बाबर आजम नहीं मिला है कभी भी ना तो हमें उसकी ना कदर सही से है नहीं उन्नीस सेंचुरी एक बंदे ने अगर मारी हुई हैं ना और हर जगह मारी हुई है ऐसा नहीं यू के नॉट कॉल इम जिम्बाबर ठीक है जिम्बाबर के ख़िलाफ़ आप उसी सेंचुरी देखें और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी देखें और उस इंग्लैंड के अंदर खड़ा होना ऑस्ट्रेलिया के अंदर खड़ा होना वो गेम उठा के रखता है भाई

मेरा मैं हूँ बाबर फैन ठीक mm. है बाबर फैन एंड देर इज़ अ रीज़न देखिए मेरी नज़र में मेरे ओपिनियन के मुताबिक पूरी दुनिया में उससे ज़्यादा खूबसूरत बैट्समैन नहीं है कोई अगर वो बैक फुट पंच मारता है ना और जब वो कवर ड्राइव खेलता है और स्ट्रेट ड्राइव जब मारता है तो कहानी अंड हो जाती है बहुत खूबसूरत मतलब जिस तरह से टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है mm. कि भाई आपने पैर ऐसे रखना है बॉडी वेट ये होगा और आपका जो है ना हेड इधर होगा ये सारी चीज़ें बाबर पूरी फॉलो करता है को वो दिखता है So, उम्मीद इस बात की है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर बाबर ने परफॉर्म कर दिया then he will be the greatest. हाँ, मुझे उम्मीद इस चीज की है पूरी ज्यादा दोबारा वापस आते हैं एंड करते हैं इस चीज को मुझे बताएं कि यार क्रिएटर इंडस्ट्री कैसी देख रहे हैं हम यहाँ पे दुबई में यहां पे आ... पाकिस्ता... पाकिस्तान से creators? पाकिस्तानी, creators पाकिस्तानी creators. के कितनी struggle है पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पर नाम बनाने तो ना, मूव हो रहे हैं तो उनको क्या सजेशन देंगे आप देखिए वो जो भी आ रहा है ना इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं आप क्रिएटर बने क्या ये यहाँ पे एक वो इन्फ्लुस हाँ, तो जितने भी हमारे क्रिएटर्स आ रहे हैं वो अचानक आके मार्केट में जल्दी से फिट इन होने के चक्कर में ना वो ब्रांड्स पकड़ने के चक्कर में वो वही वाला काम शुरू कर दे तो उनकी ओरिजिनलिटी जो है ना वो तो आप ओरिजिनल बने आपको खुद ही लोग आके मैंने आ, हार्डली कोई ऐसा काम किया है कोई रील बनाई है जिसमें मैंने कहा वो, वो के के, बोलते कुछ नहीं है कैमरे वाले को कहते हैं आओ वो जिस तरह वो इंडिया का एक ड्रामा होता था वो पूरे घर दिखा दे उसका जिस इंट्रो था वो आजकल इन्फ्लुएंसर वही है साथ साथ कैमरे वाले को बुलाते हैं दरवाजा खोलते हैं वो वाला सीन है तो वो आपको टाइम लगता है मुझे बहुत टाइम लगा लगे लेकिन मैंने अपनी लाइन नहीं छोड़ी तो बस जब लिखी थी वो तब हो गया तो उम्मीद भी नहीं छोड़ी देखें ऊपर वाले ने देना है जब भी देना है वो वो उसका मसला है मैंने अपने अपनी मदद करनी, करनी। अपने था था है मेहनत दे, करनी है खास आपने कहा इंसान मेहनत आपके हाथ में है ऊपर अल्लाह के हाथ में क्योंकि देखिए अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो मैं काफी सारे क्रिएटर्स को जानता हूँ नाउमीदी की वजह से कंटेंट क्रिएशन छोड़ दी कि व्यूज नहीं आ रहे व्यूज नहीं आ रहे व्यूज नहीं आ रहे व्यूज़ आ रहे थे अब नहीं आ रहे और लोगों ने छोड़ी है और आपने नहीं छोड़ी नहीं आप लॉगरिथम को आपको टेक्निकलिटीज भी है ना जिस तरह आप टिकटॉक है आपको टिकटॉक भी इंस्टाग्राम भी वो जान के ना कभी कभी आपके व्यूज कम हो ही जाते हैं वो देखते हैं कि आप वो बूस्ट करोगे कि नहीं पैसे डाल के काफी लोगों को वो चक्कर ये भी देते हैं कॉन्टेंट क्रिएटर शुरू में एकदम व्यूज दे देते हैं फिर आपका एकदम डिप आती है व्यूज खत्म हो जाते हैं अब वो इस उम्मीद में होते हैं लॉक्रेथम चेक करता है भाई ये पैसे डालेगा कि नहीं अपनी वीडियोस बूस्ट करवाएगा स्पॉन्सर करेगा या नहीं बार बार आ, मैसेज भी आ रहा होगा हाँ हाँ अगर आपने बूस्ट कर दिया तो आप फंस गए अब आप उस क्या कहते हैं एक लूप में फंस गए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप पैसे दो गई तो व्यूज आएंगे अगर आप अगर आप इग्नोर कर दो उसको आप डालते जाओ छोड़ो व्यूज नहीं आ रहे तो आपके दस भी व्यूज आ रहे हैं आप रेगुलरली कॉन्टेंट डालो कंसिस्टेंटली कॉन्टेंट डालो लॉक को समझ आ जाती है अच्छा बंदा ये लॉयल है हमारे प्लेटफॉर्म के साथ वो फिर दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाता है मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ मेरे इंस्टाग्राम पे व्यूज़ आना बिल्कुल ख़त्म हो गए थे लेकिन फिर अचानक एकदम फिर बूस्ट आया और सही हो गया टिकटॉक के साथ भी यही है आ, मैंने काफ़ी अर्सा डाला है चीज़ें कुछ नहीं आ रही थी टिकटॉक हालांकि मैं यूज़ नहीं करता लेकिन मैंने कभी बूस्ट नहीं किया वो फिर एक टाइम आया कि मैं कुछ भी डालता हूँ तो व्यूज़ आ जाते हैं लेकिन ये कहना आप कहते हो और बड़ी आसानी से रहें लेकिन हम जब एज अ क्रिएटर काम करते हैं तो जब रेकग्नीशन मिल ही नहीं रही तो बड़ा टाइम लगता है एंड इट्स अ वेरी गुड एडवाइस क्योंकि आप एक्सपीरियंस के साथ एडवाइस दे रहे हैं तो इसमें काफ़ी वेटेज है क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है आपको ना फुल कंसिस्टेंट रहना अगर आपके पास यूज़ नहीं आ रहा है so, सो जो भी ये देख रहे हैं ना ये अली सफियान आपके सामने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है एक सक्सेस स्टोरी है सिंपल सी बात है क्योंकि 2012 से एक बंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा है ठीक है फिर व्यूज़ आ रहे हैं व्यूज़ नहीं आ रहे हैं व्यूज़ आ रहे हैं व्यूज़ नहीं आ रहे और आज अली सुफियान वासीब आपके सामने बैठा हुआ है ठीक है पॉडकास्ट एक बहुत बड़ा हिट है स्पेशली साउथ एशिया में साउथ एशिया में और ओवरसीज़ इंडियंस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ बंगालीज माशाला से बहुत नाम है एंड आई एम टेलिंग यू अपने एक्सपीरियंस से कि अभी जो है ना

लेकिन जो डिप आता है ना ब्रो जब डिप आता है तो बात यह है कि वो डिप आना उससे निकलना जो है ना वो मैं भी समझ सकता हूँ और वो आप भी समझ सकते हो वो बहुत मुश्किल काम होता है भाई उसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम होता है तो वो जर्नी को मैं समझता हूँ तो अगर आप ना उम्मीद है एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर या आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हो ना ब्रो एक जगह पर लगे रहना ठीक है और गिव अप नहीं करना देन उसके बाद आप बनते हैं अली सफान वासिफ़ और इस वक्त जिस तरह से आपका इस पूरे रीजन में नाम है और वो बढ़ ही जा रहा है हर कोई आपके साथ कंटेंट जो है वो कोलैब करने का सोच रहा होता है ख्वाहिश रख रहा होता है स्पेशली इंडिया से सो गेम so, बहुत ऑन है और ब्रांड्स भी अलहमद आने लगे होंगे विच इज़ अमेजिंग विच इज़ अमेजिंग देखें यूनिक बने अपना एक स्टाइल सोचें कि आप कैसे अलग बन सकते हैं क्या नया कर इंस्पायर हों चीज़ों से लेकिन अपनी सर्कल में इंस्पायर ना हो बाहर के लोगों से इंस्पायर हो लाइक देखें दुनिया में क्या हो रहा है <laughs> और एक एक बाहर के लोगों से याद आया मुझे हाँ। एक है कुछ ना वो चाइनीज की वाइन छापते थे जो देख भी नहीं सकता ना कोई पाकिस्तानी हाँ। <laughs> दूर दूर तक जापानीज़ कोरियन जो दूर, दूर दूर तक नहीं वो डिटो छापते थे लेकिन हाँ छापना नहीं है इस्पार, इस्पार और वही ना अपने सर्कल में महदूद ना रहे देखें दुनिया में कैसा कंटेंट बन रहा है और फिर सोचें कि अच्छा अगर ये लोग ये कर रहे हैं तो हम क्योंकि बहुत पीछे ए आई पे अभी तक कोई हमारे कितने लोग हैं ए आई यूज़ करते हैं वीडियो में नहीं करते लोगों को मैं बोल बोल के थक गया स्टोरी में ये ये सॉफ्टवेयर यूज़ करो ये ऐप यूज़ करो नहीं वही में में। ट्रेंड्स आते, आते, आते हैं जैसे पॉडकास्ट का ट्रेंड है ना पिछले सात आठ साल से चल रहा है यूएस में बल्कि ज्यादा टाइम ता, ता, से चल रहा है फिर उसके बाद पाकिस्तान इंडिया आता है पाकिस्तान आता है तो ये वाला सीन है हर चीज के अंदर भी हम देखते हैं स्किट्स जो है पहले वहां जाते हैं फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं इस रीजन में आते हैं फिर, उस, फिर उसके फिर उसके बाद जो है ना व्लॉग्स थे पहले वहाँ शुरू हुए फिर हमारे पास फिर ट्रैवल व्लॉग्स फूड ये सारी चीज़ें मिस्टर बीस नहीं आए अभी तक यहाँ पर तो तो मेहनत बहुत ज़्यादा है उसके अंदर आई थिंक उसका बर्गर बहुत अच्छा था अली भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे बात है थैंक यू और उम्मीद है कि इन ये जो गेम है ना आप उठा के रखेंगे और प्लीज बिल्कुल मैं ऐसे इन श्लीज़ हफ्ते में मेरी 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 ख्वाहिश है प्लीज़ तीन वीडियोस तीन वीडियोस हफ्ते की वीडियोस। तीन वीडियोस तीन पॉडकास्ट पॉडकास्ट <laughs> कंसिस्टेंसी के साथ और अगली बार हम इंशाल्लाह मिलेंगे आ, तो आपके एपिसोड्स हो चुके होंगे के मैंने कभी गिने चाहिए मुझे गिनने अभी चलो कोशिश करते हैं ताला आपको और ज्यादा तरक्की देंगे गुड नाइट जजाक